वेलकम टू द क्रेव हर्मिट पॉडकास्ट शो। मेरा नाम है ऋषभ जायसवाल एंड आज हम लोग करने वाले हैं इंटरव्यू मिस शाजिया कैसर जी के साथ। शाजिया कैसर जी पटना बिहार में एक जाना पहचाना नाम है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। उनका बिजनेस रिवाइवल सर्विसेज, जो कि इवन नरेंद्र मोदी के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है, उनको गवर्नमेंट ने फंडिंग भी किया है और अपने आप में बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है बिजनेस का। अगर मैं उनका वेबसाइट का नाम गूगल पे डालूं तो जो पहला वेबसाइट खुलता है ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। बेसिकली वो लोग जूतों और लेदर प्रोडक्ट्स को रिवाइव करने का काम करते हैं। उनका प्रोडक्ट्स वगैरह भी आता है फॉर लेदर एंड शूज केयर, ये उनका एड्रेस है एंड दिस इज होल देयर वेबसाइट। वुमेन होने के बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहा है। आज हम लोग जानेंगे कि पटना बिहार में जहां लोग कहते हैं कि बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, उस कंडीशन में भी उन्होंने कैसे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया और उनसे ही हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। आज हमारे साथ हैं शाजिया जी, जिनका एक खुद का स्टार्टअप है रिवाइवल सर्विसेज के नाम से। तो हम लोग उनसे ही जानेंगे उनके बारे में कि उनका बिजनेस क्या है और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और क्या उनकी अर्ली लाइफ वगैरह रही। तो शाजिया जी बताइए अपने बारे में कुछ। जी, मेरा नाम शाजिया कैसर है। ओके। और मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ओके। लेकिन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर जर्नी जब मेरी शुरू हुई तो अभी वो प्रैक्टिस में नहीं हूँ। एक्सीडेंटल मीन्स कि मेरा जो एंटरप्रेन्योर जर्नी था ये एक एक्सीडेंटल था। okay. यस हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था और ना मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है। okay. वो एक ऐसा सिचुएशन आया जब मैंने ये शुरुआत की। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लाइफ में हुआ आप इंटेंशनली नहीं था? नहीं। ओके। वैसे आपका अर्ली लाइफ क्या रहा है, आपका जो स्कूलिंग या फिर कॉलेजिंग हुई है वो कहाँ से और कैसे हुआ? देखिए, क्योंकि मेरे फादर सिविल सर्विसेज में थे तो जिस वजह से वो काफ़ी ट्रांसफ़र होता रहता था। तो जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ स्कूलिंग तो मेरी फ्लक्चुएट करती रही। और फिर ट्वेल्थ जो है मैंने बालिका विद्यापीठ लखीसराय से किया। और उसके बाद फिर आफ्टर ट्वेल्थ जो है फिजियोथेरेपी में मेरी एडमिशन हुई, जो कि पटना से ही मेरी पढ़ाई हुई। और फिजियोथेरेपी करने के बाद मैंने यूनिसेफ में और WHO में जॉब किया। और मेरी शादी बहुत आफ्टर इंटर ही फर्स्ट ईयर में ही हो गई थी। ट्वेल्थ के बाद आपकी शादी हो गई? हाँ, ट्वेल्थ के बाद ही मेरी शादी हो गई। ट्वेल्थ के बाद ही तो आप शायद फिजियोलॉजी वगैरह जो कर रही होंगी? हाँ, फिजियोथेरेपी में फर्स्ट ईयर में थी तभी मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद मैं जॉब कर रही थी, फिर वही है कि मैं थोड़ा सा बच्चे छोटे थे तो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी अपने जॉब को। वो मतलब मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना अगर बिजनेस करती हूँ तो उसमें मैं टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकती हूँ। तब मैंने नौकरी को क्विट करके और अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है शुरू की। इसीलिए मैं इसको एक्सीडेंटल बोलती हूँ। जो आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो इस वजह से स्टार्ट हुआ। जी, जी, और ये जो आपका कंसेप्ट है रिवाइवल सर्विसेज का ये कैसे आया? बेसिकली ये बेसिकली जब मैं स्टूडेंट ही थी उस वक्त कभी किसी मैगजीन में इस सर्विस के बारे में मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो एक दिमाग में वो क्लिक कर गया था कि अगर कभी मुझे अपना कुछ शुरू करना रहा तो मैं तब तक अगर मार्केट में कोई भी इंटर नहीं करता है तब मैं इसको एक बार ट्राई जरूर करके देखना चाहूंगी। मतलब कि आप अपने कॉलेज डेज में भी अच्छे अच्छे मैगजीन्स वगैरह आइडिया पे काम करना कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट रहा ही होगा? हाँ, नहीं, बिजनेस पर्पज से नहीं, मैं हमेशा मतलब बुक्स पढ़ने का पढ़ने में दिलचस्पी थी, अलग-अलग किसी की जीवनी पढ़ना ये सब चीजें का शौक था। तो ये जो रिवाइवल सर्विसेज आपके पहला ही स्टार्टअप है? हाँ, ये मेरे एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड में बता दूँ, मेरे फैमिली में भी किसी ने कभी कोई बिजनेस नहीं किया। क्योंकि मेरी मदर खुद एक गवर्नमेंट जॉब करती हैं और मेरे फादर खुद एक मतलब किसी का एक पान का दुकान भी नहीं है। मतलब बिजनेस से दूर दूर का नाता नहीं है। मैं आई थिंक आई एम द फर्स्ट जनरेशन इन बिजनेस। ओके। पटना बिहार में पहले ही बिजनेस स्टार्ट करना इतना टफ होता है और बीइंग अ वुमन आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया वो भी बिना किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के और एक नए फील्ड में जो कि पहला बार कोई पटना में कर रहा था, तो किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, एक तो मुझे ये पता ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इतनी टफ होती है। वैसे कौन सी ईयर में आपने स्टार्ट किया? ये मैंने स्टार्ट किया 2013 या 2014 में स्टार्ट किया।
तो मुझे ये पता ही नहीं था कि एक्चुअली मैंने एज अ बस अपने आप को इंगेज रखने के लिए शुरू किया, मतलब उस पॉइंट से मैंने शुरू ही नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अब ये मेरा जुनून बन गया है. तो एक वो एक मतलब एक सही में कहा जाए कि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर का जो जुनून होता है वो अब मेरे अंदर आ गया है. जब शुरू किया था उस वक्त नहीं था. और जब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको खुद का एक बिजनेस करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो फैमिली से और या फिर सोसाइटी से क्या सुनने को मिला? देखिए एक्चुअली क्या है कि करने के लिए तो मतलब कभी भी मना तो किसी ने नहीं किया. लेकिन क्या था कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करती तो सब लोग मेरे फैमिली वाले चाहे इन लॉज वाले हों या अपने पेरेंटल हों वो खुश होते. लेकिन क्या है कि मेरा चॉइस ही इतना डिफरेंट था और मैं नेचर वाइज अगर कहूँ तो मेरी अपनी जो थिंकिंग है वो इस तरह से थी कि भीड़ से कुछ अलग करना है और एक बार करके देखना है. बाकी भी प्लान तो ऑलवेज रहता ही है. प्लान भी था आपके पास, आप एक्सप्लोर करना चाहती थी अपने इस साइड को? प्लान भी था कि मेरा फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस था ही, तो मेरे ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं जो मेरे अंदर ये एक जो दिमाग में मेरे जो अटक गया था कि इस तरह की सर्विस मार्केट में नहीं है. और मैंने अपने नौकरी के दौरान ही बहुत सारे लोगों से इसका फीडबैक लिया तो मुझे 50% 60% तक पॉजिटिव रिस्पांस आया. आपने मतलब R&D भी किया? हाँ मैंने. जी बिल्कुल. तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार एग्जैक्ट मुझे रिजल्ट तभी पता चल सकता है जब इस सर्विस को मैं लाइव करूँ. तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने का शौक रहता है हमेशा. मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपने R&D किया और उसके बाद जो भी लोगों से सुने? उसका काफी रिसर्च किया. रिसर्च करके क्योंकि ये मुझे पता था कि इस चीज में मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता है तो मैंने खुद ही सारा चीज डेवलप किया और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया. उसके बाद फिर आपने क्या किया? बेसिकली अपना कोई फील्ड शॉप खोला या फिर आपका ऑनलाइन ही बिजनेस था? नहीं, पहले तो मैंने डायरेक्ट ऑफलाइन से मैंने शुरुआत की. और उसके बाद काम करने के बाद जो भी हर्डल्स आते हैं उसको दूर करने के बाद जब मेरी एक टीम डेवलप हो गई और एक सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हो गया तब मैंने इसको ऑनलाइन में ले आई. बेसिकली आपके जो बिजनेस का नाम है रिवाइवल सर्विसेज, ये नाम कहाँ से आया? देखिए ये तो स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसा नाम रखूं जो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो. तो मैंने डिक्शनरी में काफी रिसर्च किया तो मुझे ये नाम मिला रिवाइवल. रिवाइवल मतलब कि पुनर्जीवन. तो हम क्योंकि ओल्ड शूज को न्यू जैसा बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको पुनर्जीवन दे रहे हैं. तो इसलिए मुझे ये नाम बहुत सूट किया तो मैंने इसको ही रखा. साजय जी ये बताइए कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका पहला ऑफिस कहाँ था? मेरा पहला यही पाटलिपुत्र अल्पना मार्केट. और आपके टीम में कितने लोग थे उस टाइम? उस वक्त तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ 3 आदमी हम लोग थे. मतलब एक हमारे जो काउंटर पिक एंड ड्रॉप के लिए और एक हमारा टेक्निकल पर्सन और एक मैं. और बिजनेस का स्टार्टिंग में कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए वो तो मुझे पता था कि चीज़ें नहीं हैं और लोगों में अवेयरनेस नहीं है तो इसमें तो मुझे अवेयरनेस की कमी तो रहेगी ही लोगों में. तो माइंड मेकअप था तो लोगों का रिस्पांस आया, क्यूरियोसिटी उनके अंदर थी. तो जब वो हमारे फुटफॉल आने लगा, क्वेरीज जनरेट होने लगी, उसके बाद फिर हम उनको एक्सप्लेन करने लगे, काउंसलिंग करने लगे कि हम क्योंकि उनको ये लगता था कि हम शूज़ बेच रहे हैं. तो उसको फिर हम धीरे धीरे करके और फिर अपने सर्विस के थ्रू ही उनको कन्विंस किया कि हम लोग बेच नहीं रहे हैं, पुराने चीज़ को ही हम लोग रिवाइव कर रहे हैं. वैसे तो बेसिकली मार्केट में बहुत सारे मोची वगैरह अवेलेबल हैं जो कि लोग ट्रेडिशनली और जनरली जाते हैं वहाँ अपना जूता वगैरह रिपेयर कराते हैं, तो फिर आपके पास ही क्यों? हाँ क्योंकि एक अगर कह सकते हैं कि हमें एक अगर सबसे बड़ा हमें चैलेंज जो फेस करना था वो हमें कॉबलर से करना था और उसके प्राइस से फेस करना था. तो कॉबलर क्योंकि हमने काफ़ी इससे देखा है कि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं और उसकी जो स्किल है रिपेयरिंग की वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. वो जस्ट बस ऐसे ही मतलब मोटा मोटा टाइप से, मतलब वो फिनिशिंग नहीं है उनके अंदर. तो ये कमी थी जो लोगों को क्योंकि ऑप्शन नहीं था उनके पास. फुटवेयर का कोई सर्विस सेंटर कोई ऐसा है नहीं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं था. इस वजह से उनकी मजबूरी थी कि उनको वो सर्विस को लेना पड़ता था. लेकिन उस एवज में भी बहुत सारे लोग अगर ब्रांडेड शूज़ और बहुत महंगे लेते हैं तो उनको
वो कॉबलर वाला काम उसका शूज में मैच ही नहीं करेगा। तो इस कमी को देखते हुए हमने ये मतलब इस ये जो कॉबलर का जो अनस्किल्ड होना इसको हम अपने काम से प्रोफेशनल वे में ट्रीट करना चाहते हैं। यस, हम इसको प्रोफेशनली और बाकी जो भी लेदर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेदर हैं उसकी हमने स्टडी की, उसका मेंटेनेंस के लिए किस किस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं ताकि उसको और उसकी शाइनिंग और उसका मॉइस्चर मेंटेन कर पाए, उसकी लाइफ को बढ़ा पाए, तो तब जो है उससे जो रिजल्ट आने लगा और लोग सेटिस्फाइड होने लगे तो ऑटोमेटिक वो अपने आप डिफरेंट सेट हो चुका था कि कॉबलर और हम में क्या डिफरेंस है। ओके, बेसिकली आपके शूज में जो प्रोडक्ट में डिफरेंस दिखता था। ओके, अच्छा एक बात और बताइए, जब आप इस नए फील्ड में नए तरह के बिजनेस में जब एंटर किया तो आपने तो कुछ तो सोचा होगा मार्केटिंग का, कुछ टेक्निक्स अपनाए होंगे, तो आपका बेसिकली क्या रुझान था मार्केटिंग को लेकर? हमने तो बस यही ध्यान में रखा क्योंकि हमारा सेक्टर ही फुटवेयर है, तो फुटवेयर से रिलेटेड जो है वो हमारे, और हमें ये एक उम्मीद थी कि जितने पांव वो हमारे कस्टमर। जी, तो क्योंकि रिवाइवल सर्विसेज सिर्फ शूज के लिए या फिर और भी उसके साथ में टैग में लेदर? जी जी, हमने स्टार्ट तो फुटवेयर से किया था क्योंकि फुटवेयर हमारा मेन फोकस था, लेकिन उससे रिलेटेड अगर हम लेदर की बात करें तो हमने साथ में लेदर से जो भी बैग हैं, जैकेट हैं, बेल्ट हैं, वो सारे सर्विसेज हमने ऐड कर लिए। ओके, और फ्यूचर में आपको और भी सर्विसेज को ऐड करने का प्लान है? हाँ, फ्यूचर में हमारे जो है कि इवन हमने वो शुरू भी कर दिया है, अभी तक हम लोग सिर्फ कंज्यूमर को इंटरटेन कर रहे थे, लेकिन अब हमारा जो है जो शॉपकीपर्स जो रिटेलर शॉप हैं उनका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारे जो रिटेलर शॉप हैं उनका भी सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि उनका स्टॉक जो है रखा रखा ख़राब हो जाता है और उसकी वैल्यू बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाती है क्योंकि उस प्रोडक्ट को वो सेल में भी नहीं निकाल सकते हैं। तो उस कमी को देखते हुए हमने उनके तरफ भी अप्रोच बढ़ाया है, ये हमारा फ्यूचर प्लान आप कह सकते हैं, और अभी हमें धीरे धीरे उसमें जो है पॉजिटिवली काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू भी हो गया है। तो हम उनका जो रिटेलर का जो सबसे बड़ा पेन है उसको हम दूर कर रहे हैं। उनके जो बिक नहीं पाए किसी भी वजह से, बिक नहीं पाए या फिर वो शूज जिसका सोल ब्रेक हो गया है या उसका पेस्टिंग उखड़ गया है या रखा रखा डिस्प्ले में गंदा हो गया है, तो हम उसको रिवाइव करके वापस से दे देते हैं और वो उनको आराम से सेल करने। वैसे जब बेसिकली आपने 2014 में जब अपना ये रिवाइवल सर्विसेज लॉन्च किया तो बिजनेस का कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए रिस्पॉन्स तो क्योंकि जब लोगों को ये थोड़ा सा पच ही नहीं रहा था कि इस तरह की सर्विस हो सकती है तो उनको अवेयरनेस में ही जो मुझे टाइम लगा ये बताने में कि हम लोग इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था, उनको ये लग रहा था कि इस तरह का होता नहीं है और इन्होंने खोल के बैठा है, और खास करके वुमन, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा मेन डोमिनेटिंग एरिया है और उसमें एक वुमन को आ जाना, तो उनको ये लगता था कि हम बस ऐसे ही खोल के बैठ के उनके अच्छे शूज़ को भी हम बर्बाद कर देंगे। तो ये उनका अनट्रस्ट होना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने अपने सर्विस के थ्रू उनके अनट्रस्ट को ट्रस्ट में बदल दिया। ओके, आपने अपने सर्विस के थ्रू ट्रस्ट जीता। जी जी जी। ज्यादातर कस्टमर तो आपके शायद रेफरल से भी आते होंगे। बहुत ज्यादातर क्या, इवन 80% कस्टमर जो है हमारे माउथ टू माउथ ही आते हैं। okay. क्योंकि जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं लेता है तब तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि ये सर्विस उनके लिए कैसे बेनिफिट पहुंचा रहा है, बेनिफिशियरी। आपका जो स्टार्टअप का नया जो कंसेप्ट है जब आपने पटना में लॉन्च किया तो गवर्नमेंट के तरफ से या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तरफ से कुछ सपोर्ट वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, एक जब मैंने शुरू कर दिया था तो पेपर में आया था वो अपने आइडिया को, अगर आपके पास नया आइडिया है तो आप आइडिया लेकर आइए, तो वेंचर पार्क करके BIA का एक इनक्यूबेशन सेंटर है, तो मैंने भी वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया तो वहाँ पे मेरे सिलेक्शन हो गया और मुझे इनक्यूबेट किया गया, और जो बिज़नेस का जो बेसिक फंडामेंटल है वो मुझे वहाँ पे बताया गया जिससे मैं अपने बिज़नेस को और इम्प्रूव कर पाई। आपको बिज़नेस के लिए गाइड भी किया क्या? हाँ बिल्कुल, नेटवर्किंग दी उन्होंने और जो बिज़नेस की जो समझ होती है, क्योंकि मैं कोई MBA बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, तो जो फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस होते हैं वो मुझे नहीं पता था, तो वो वहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सीखा,
और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उनके थ्रू ही हमें मिला। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हमें 10 लाख का फंडिंग किया है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने हमें ये हाल में मैं पेपर में पढ़ा था नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आपका कुछ हाँ वो नरेंद्र मोदी जी की बुक है ऑन लाइक कॉफी ऑन टेबल 2017 में उनका सिविल सर्विसेज डे के मौके पर वो रिलीज हुआ था वो बुक। तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से 6 स्टार्टअप्स के सक्सेस स्टोरी को कवर किया था जिसमें कि बिहार से एक हमारे रिवाइवल की स्टोरी थी जिसको वहाँ उनके उस बुक में जगह मिली थी। ओके आपके सर्विसेज का नाम है बिहार से सिर्फ एक स्टार्टअप सेलेक्ट हुआ। बिहार से एक ही स्टार्टअप थे। ओके वैसे फिलहाल आपका जो ये रिवाइवल सर्विसेज है ये किस किस जगह पे सर्विसेज एक्टिवली दे रहा है? देखिए क्योंकि हमारा बॉर्न ही हुआ है बिहार से तो हमारा हमें ये पता है कि हमारा यहाँ से ज़्यादा डिमांड मेट्रो सिटीज़ में है लेकिन क्योंकि हम इसको पहले यहाँ पे और अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो अभी हमने बिहार में पटना शहर में शुरुआत की है और पटना को हम लोग पटना का जितना भी अर्बन एरिया है वो हम कवर कर रहे हैं। फिर मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, भागलपुर में हमारी एक फ्रेंचाइजी जो कलेक्शन पॉइंट है वो हमारा ओपन हुआ है और 4-5 अच्छा आप बेसिकली एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल कलेक्शन पॉइंट जो है क्योंकि हमारा जो वर्कशॉप है वो सेंट्रलाइज रहेगा और कलेक्शन पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होगा और वहाँ से हमारा जो है ये काम चल रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 10 सालों में या फिर आने वाले 5 सालों की बात करते हैं तो आने वाले 5 सालों में आपने रिवाइवल सर्विसेज के बारे में क्या क्या सोच रखा है? मैंने तो रिवाइवल सर्विसेज के बारे में ये सोच रखा है कि जहाँ जहाँ भी फुटवेयर का गुंजाइश हो सकता है रिवाइवल वहाँ वहाँ पहुँच सकता है। ओके मतलब जस्ट लाइक सर्विस सेंटर की तरह से फुटवेयर और लेदर गुड्स जो है उसके लिए रिवाइवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनका सर्विस सेंटर की कमी को पूरा करता है। ओके बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी सारे सर्विस सेंटर हैं आप एक लेदर गुड्स के लिए जो सर्विस सेंटर होना चाहिए वो आप एक प्रोवाइड करने का सपना देख रहे हैं आने वाले आने वाले दिनों में। और मैं चाह रही हूँ कि ये जो भी फुटवेयर कंपनीज हैं उनसे हमारा टाई अप हो जाए और हम उनके लिए एज अ सर्विस सेंटर की तरह से उनके जो उनके अप्रोच हमने किया है लोगों से बात चल रही है प्रोसेस में हूँ देखती हूँ कब कामयाबी मिलती है। ओके और रिवाइवल सर्विस का मैंने कुछ देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते हैं प्रोडक्ट के रूप में जो पॉलिसीज हो गए उसके क्रीम्स हो गए शाइनर हो गए ये सब हमारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स शू केयर प्रोडक्ट जो है वो हमारा डेवलप हो गया है और कुछ कुछ रिटेलर शॉप हैं जहां हमारा सप्लाई जाता है। अभी हम उस पर फुल्ली फोकस्ड होकर मार्केटिंग उसकी नहीं कर रहे हैं अभी जस्ट हमने मार्केट में टेस्ट कराया है और उसके रिस्पांस के हिसाब से फिर हम आगे मूवमेंट लेंगे और ऐसे हमारा अमेजोन पे भी ये प्रोडक्ट जा रहा है। ओके आप अमेजोन पे सेलर हैं। ओके तो आपने जैसा कि बताया अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बहुत अच्छा लगा जानकर आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहा है। ओके जैसे कि मैं देखता हूँ कि मार्केट में ज़्यादा कॉस्मेटिक्स के फिर मतलब लेदर गुड्स और जूतों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके केयर के लिए जैसे शू पॉलिश वगैरह हो गए हैं तो वैसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं है बहुत कम ही कंपनीज हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं। ओके आप भी एक इंडियन ब्रांड होकर इस सब में लगा रही है बहुत अच्छा लगा जानकर और आपका स्टार्टअप भी काफ़ी अच्छा कर रहा है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप कुछ लास्ट में बोलना चाहें नए एंटरप्रेन्योर्स को तो आप कुछ बोल सकती हैं खास करके वुमेन जो है बहुत कम इंटरेस्ट लेती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके इसके लिए आपका कुछ हाँ ये बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जो स्टार्टअप आइडिया है उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं। जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप है तो मैं उसके बारे में यही बोलना चाहती हूँ सबसे पहली बात कि एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी जेंडर नहीं होता है क्योंकि अगर मैं जेंडर या अपने आप को वुमन मानती तो शायद मैं नहीं आ पाती तो मैंने जेंडर लेस करके इस जर्नी को शुरुआत की है। और मैं बाकी वुमन को भी ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को बेचारी मत समझिए बहुत क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा चीज़ है वो किसी जेंडर बेस्ड नहीं होता है वो जिसके अंदर वो जुनून वो इच्छा शक्ति वो कॉन्फिडेंस होता है वही उसको कर पाता है। तो इच्छा शक्ति और कॉन्फिडेंस डेवलप करने की चीज़ है अगर आप
आपको आपके लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा और वो सारे हेजिटेशन को मिटा कर आपको जेंडर फ्री होकर आना पड़ेगा। ओके जी, बहुत अच्छा लगा साजा जी से बात कर कर, थैंक यू मैम। फिर कभी आपसे अगर आप लोगों का नया ब्रांड रिलीज होता है तो हम लोग बात करेंगे। श्योर, मोस्ट वेलकम।